यात्रीगण कृपया बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल राहुल, आप विरोध कर लीजिए, मगर 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये विपक्ष का कहना है, और राहुल गांधी मोदी के लिए बड़ा चेहरा है। अब बनने दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी अपना वोट मांगने भी जरूर जाए, ताकि हमें फिर से कोई एक नया पप्पू का अवतार मिले। हाँ। अब एक बात निश्चित रूप से समझ जाइए, चाहे आप मानिए ना मानिए, आप हमारे विरुद्ध हो या फिर हमारे समर्थक हो, अब दोबारा देश में कांग्रेस नहीं आने वाली। अच्छा माधु पांडे, तुम राहुल गांधी के बारे में ऐसे वैसे बोल रही हो, अगर हम तुम्हारा सेटिंग करा दे राहुल गांधी से तो तुम क्या करोगे? प्रेम करने के लिए तैयार है, बताइए सेटिंग करवाई। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो ससुरी सीरियस हो गई। मतलब तुम्हारा जो है राहुल गांधी से सेटिंग करा देंगे तो खुश रहोगे? प्रेम करने के लिए तैयार है, बताइए सेटिंग करवाई। तुमसे राहुल गांधी जो है ना सेटिंग नहीं करेंगे। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब इनरी चिनरी से कौन करता है सेटिंग। तो भाई साहब आज के वीडियो में ना बाबू पांडे को लेने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर आप लोग छोड़ के मत जाइएगा। आइए हम समझाते हैं, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। अरे मुसलमान भाइयों, मुझे तुमसे दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत है अपने देश में मौजूद दोगले हिंदुओं से। ये क्या बात करते हैं यार? भाई साहब ये जो है ना बदबूदार पांडे, ये किसी का नहीं हो सकती है, ठीक है? तो आप लोगों से यही मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि इससे दूरी रहा कीजिए, क्योंकि ये है गलबदल। मगर क्यों? कि भाई साहब कोरोना से भी हार्ड बीमारी है अनभक्ति, और इन लोगों के अंदर ना अनभक्ति जो है ना कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं इन लोगों से जितना दूर रहिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। लोगों को पता है गलतफहमी क्या हुई है? क्या? कि भाई फेमस होना है ना तो खुशबू पांडे की तरह हिंदू मुसलमान करो हो जाएगा। हाँ। बेटे सुनो मेरी बात, जब तुम्हारी कट रही थी ना, उस वक्त मैं अपना ग्रंथ पढ़ रही थी। 12 साल की उम्र से मैं अपने ग्रंथ के बारे में पढ़। आगे क्या अनहोनी कहानी भाई साहब हम खुद बता रहे हैं। ये जो है ना बदबूदार पांडे अपने ग्रंथ के बारे में खून पसीना बहा के खुद पढ़ रही है। अरे भाई साहब इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है, क्या आपको पता है कि 12 साल के उम्र से ये अपने ग्रंथ के बारे में क्या पढ़ रही है? हमको नहीं पता। हाँ तो भाई साहब ये 12 साल से आप लोगों को पता है क्या पढ़ रही है? ये 12 साल से एक ही चीज पढ़ रही है कि भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला स्रोत क्या है। तो सुन लीजिए आप लोग इसके मुंह से ही। गीता का पहला स्रोत? एक मिनट, बचपन से हमको रामायण गीता का भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत। इस प्रकार की बचकाना बातें, आप हिंदू हैं, आपके पास हक है, आप सब करिए। हाँ। मुझे भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला सार बताइए। नहीं पता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत क्या है? हमको कुछ नहीं पता। हाँ तो सुन लिए ना आप लोग भाई साहब, इसको बस एक ही चीज पता है कि भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला स्रोत क्या है। अगर इससे पूछ लिया जाए कि भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला स्रोत नहीं दूसरा स्रोत क्या है, तो इसके मुंह से एक ही चीज निकलेगा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अच्छा बदबू पांडे एक बात बताओ, तुम बार बार मीडिया के सामने तुम बोलती रहती हो हमको मुसलमान से दिक्कत है, काहे बोलती हो तुम? मुसलमान? हाँ मुसलमान से दिक्कत है भाई। अच्छा ये बताओ बदबूदार पांडे, तुमको मुसलमान से क्या दिक्कत है? उसका बड़का है का हाथी वाला है, गड़ता है तुमको कि तुमको मुसलमान से दिक्कत है? मुसलमान से दिक्कत है भाई। इसका साबुनदानी का साबुनदाना कर दिया ना, इसलिए भाई साहब इसको मुसलमान से दिक्कत है। दिक्कत है भाई। यहाँ से हारने का कारण आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से नहीं दे सकते, क्योंकि कहते हैं आप मोदी जी के चेहरे पे कब तक जीत सकते हैं, क्योंकि हम मोदी जी को बोलते हैं कि भाई वो हमारी सरकार। चश्मा पहनने के बाद भी ना तुम बवासीर का मरीज लग रही हो। तो भाई साहब अनभक्ति भी शराब दिया है इन लोगों को कि तुम लोग बर्बाद हो जाओ। जरा एक नजर इनके ऊपर भी डाल लीजिए आप लोग। हमने अब तक शांति का भजन सुना के दिखाया था कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और अगर दिखा दिया ना कि धमक चलत रामचंद्र हलकत लंकनिया, तो ऐसे ऐसे कितने लंकाधिपति जाके बर्बाद हो जाएंगे, ये भी सुन लीजिए। वाह क्या बात की हो यार। आई एम अ वर्शिपिंग ब्राह्मण, ठीक है, चोर से ब्राह्मण, आई एम हिंदुस्तानी, ठीक है, और मैं चोर से ब्राह्मण हूँ, ये कह रहे हैं ना। अरे एक सेकंड, और ये कह रही है ना कि मैं बर्बाद होने को तैयार हूँ, तो लो एक ब्राह्मण का श्राप है, तुम बर्बाद हो जाओ। क्या बोला? तैयार हूँ तो लो एक ब्राह्मण का श्राप है, तुम बर्बाद हो जाओ। अब अनुभव भी शराब देने लगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
हाँ तो भाई साहब, अगर इसका शराब कबूल हो जाता तो एक भी कांग्रेस का आदमी जिंदा रहता नहीं, ये लोग तो सबको शराब देकर मार देता। अच्छा दुनिया में कैसा कैसा अनभक्त लोग है भाई साहब, चार चार दिन तक नहाता नहीं है, यहाँ शराब देने चलता है। एक ब्राह्मण का शराब है, तुम बर्बाद हो जाओ। अगर इन लोगों का शराब कबूल होता ना भाई साहब, तो मोदी जी को विश्व गुरु और भारत को कब का हिंदू राष्ट्र बना दिया रहता। ये कभी नहीं बोलेंगी पसमांदा अहमदिया सुल्तानिया लखनऊआ, ठीक है कुरेशी, लेकिन ये हमेशा बोलेंगी ब्राह्मण भूमि और राजपूत यादव। अरे सुनो, हम चारों में इतनी पावर है ना कि आज खड़े होकर के अपनी एक एक जमीन बेच दे तो मुसलमानों की 10 पीढ़ियां खरीद लेंगे। जाओ भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। ये भाई साहब, ये लोग है गुह गोबर खाने वाला आदमी, ठीक है, इसका बाप दादा बचपन से फेंकते आ रहा है, अब ये भी बड़ा हो रहा है तो बाप दादा के जैसा तो ये भी फेंकेगा ही। खड़े होकर के अपनी एक एक जमीन बेच दे तो मुसलमानों की 10 पीढ़ियां खरीद लेंगे। जाओ बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। 70 साल वालों को छोड़ के लोगों ने 2 साल में ध्रुव राठी को जीजा जी क्यों बोलना शुरू कर दिया उन लोगों ने? पहली बात, लोग कह रहे हैं कि उसके 15 मिलियन फॉलोअर होगा यूट्यूब में। मियां खलीफा का नाम सुना है? अबे साले, उसके 150 मिलियन फॉलोअर है। तो ध्रुव राठी बढ़िया हुआ या मियां खलीफा हुआ? हेलो, तुम ध्रुव राठी देख लो, कौन बड़ा हुआ भैया? जो मियां खलीफा जो भी है वो। अब सुनो, गंध की तरफ लोग ज्यादा भागते हैं, इसका मतलब गंध। आपको पता कई बार घर में आप भाई साहब, आजकल पेटला को मियां खलीफा का बड़ा याद आ रहा है, लग रहा है कि पेटला भी उसी कैटेगरी का है। मियां खलीफा का नाम सुना है? उसके 150 मिलियन फॉलोअर। अब भाई साहब, आप लोग को हम ज्यादा नहीं घुमाएंगे। ये पेटला कह रहा है कि जिसका ज्यादा फॉलोअर होता है वो गलत आदमी होता है और गलत काम करता है। गंध की तरफ लोग ज्यादा भागते हैं। तो क्या पेटला, रोनाल्डो तुमको गलत आदमी लगता है? रोनाल्डो का भी तो फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो क्या वो गलत है? नहीं। आपको पता है भाई साहब, ये लोग उल्टा सीधा बात क्यों करते हैं? जिसको बवासीर हो जाता है ना तो बकुला जाता है, जब बकुलाता है ना तो उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगता है, बोलने लगता है। करो ईवीएम गई थी सनी लियोनी घर, ईवीएम में कोई, उसने बोला हेलो आप मेरे साथ आ जाओ मैं हैक करूंगी आपको। अंधभक्त कैसे पहचाने जाते हैं देखिए। मैडम कुछ खाने के लिए दे दो ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। ये ब्रेड का पैकेट दे दो ना। अरे अंधभक्त, कल आना सॉस के साथ देती हूँ। अंधभक्त का दिमाग पिछवाड़े में। लखपति दीदी बना रहे हैं, महिलाओं को लाखों रुपया दिया जाएगा, ये योजना का आपने फायदा उठाना। ये फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब कांग्रेस की सरकार की टांग इसमें नहीं आएगी। हर जगह अपनी टांग अड़ाने का उनको आदत। हाँ तो भाई साहब, इस बार आप लोग कंगना रनौत को ढूंढिए, मंडी से इस बार जीती है ना तो लाखों लाखों रुपया कहाँ रखी है, ठीक है? आप लोग कंगना रनौत को ढूंढिए। चल 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 चल, अब जाइए बोलिए, देगी लाख लाख रुपया आप लोग को, जाइए। आप लोग को ढूंढ रही है लाख लाख रुपया देने के लिए, आप लोग को लाट चटा देगी। ठीक है, सही है, मोदी जी बोल रहे थे कि आपके खाते में मित्रों 15-15 लाख रुपया जाएगा, तो फेंकने में क्या जा रहा है? फेंकने में कुछ जा रहा है, वैसे ये भी फेंक दी कि आपके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया जाएगा। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में 2 लाइन कुछ बताइए अनभक्तों के लिए। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू।